हाय वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय एट टैग टीवी। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ तड़कती और भड़कती खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। हाउसफुल 4 को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक उन्होंने 173 करोड़ का बिजनेस करा है, जबकि बजट था 125 करोड़ का। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट होगी, काफ़ी ज़्यादा लोग खुश होंगे इस मूवी को देख के, बहुत अच्छी कॉमेडी होगी, लेकिन कॉन्ट्ररी टू दैट लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये मूवी उतना ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग इसके जोक्स पर हंस नहीं पा रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लेम लग रहे हैं इसके जोक्स, बट स्टिल हम लोगों को कोई भी कॉमेडी मूवी या रिलैक्सिंग मूवी पसंद आ जाती है तो हम वो देख लेते हैं, इसलिए मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। अब बात करते हैं सांड की आंख के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं ये मूवी थोड़ी फेमिनिस्ट है एंड लोगों को ऐसी मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन लोग ये मूवी देख रहे हैं और उनको इसका प्लॉट तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट बॉक्स ऑफिस पर ये ज़्यादा अच्छा कमा नहीं पा रही। इस मूवी ने खाली 17.2 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि बजट 28 करोड़ का था। अब बात करते हैं उजड़ा चमन की, जो कि रिलीज हो चुकी है 1 नवंबर को। अभी तक इस मूवी ने 7.25 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि बजट 15 करोड़ का था। इस मूवी में सनी सिंह हैं, जिनकी एक्टिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है एंड लोग पहले भी इनकी एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। इन्होंने मूवी करी है प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू की टीटू की स्वीटी, जिनमें इनका कॉमेडी रोल था। लोगों को ये कॉमिक रोल में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस मूवी में मानवी भी है, जो कि ट्रिपलिंग में, परमानेंट रूममेट्स और पीके जैसी मूवीज़ में देखी गई थी काफ़ी छोटे रोल के लिए, एंड इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। बाला इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन 8 नवंबर। उजड़ा चमन और बाला ऑलमोस्ट सेम टाइम पर रिलीज हो रही हैं और दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर है। दोनों इस बारे में बात करती हैं कि कैसे 30 की एज में लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं एंड वन शुड बी कम्प्लीटली ओके विद दैट, क्योंकि आज के ज़माने में हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है एंड स्ट्रेस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हमें अर्ली एज में आ जाती हैं। बाला के ट्रेलर पे 49 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, जबकि उजड़ा चमन के ट्रेलर पर अभी तक 29 मिलियन व्यूज ही आए हैं। उजड़ा चमन का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लेट्स वेट फॉर बाला। आई थिंक विद इन अ वीक हमें पता चल जाएगा कि दोनों मूवीज में से कौन सी बेटर है। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर की वॉर के बारे में। इस मूवी को रिलीज हुए एक महीना हो चुका है। दिस वॉज रिलीज ऑन 2 अक्टूबर एंड इट इज अनस्टॉपेबल। आज भी लोग ये मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग तो ये मूवी 2 या 3 बारी भी देख चुके हैं। ये मूवी 460 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं, जबकि बजट 200 करोड़ का ही था।
ये मूवी अभी तक टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्म्स के अंदर आ चुकी है, जिसने काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट मूवी को पीछे छोड़ दिया है। लोगों को ऐसी एक्शन मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद आती है एंड वो इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं। अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि की मूवी के बारे में। इनकी ये अपकमिंग मूवी पति पत्नी और वो रिलीज होने वाली है बहुत ही जल्द। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है सिर्फ 24 घंटे पहले ही एंड इसके ट्रेलर पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं, मोर देन 6 मिलियन व्यूज। लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि इस मूवी के अंदर उनके फेवरेट कार्तिक आर्यन है। अब बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। इस हफ्ते बिग बॉस फैंस को मिला काफी ज्यादा बड़ा शॉक, उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज हो गए एलिमिनेट। मैं बात कर रही हूँ रेशमि देसाई, देवोलीना और शेफाली बग्गा के बारे में। ये तीनों लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे थे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि ये घर में क्या कर रहे थे, जबकि लोग इनको पहले से जानते थे। शेफाली बग्गा काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहती थी और काफी ज्यादा फ्यूरियस थी, लोगों को वो इसलिए पसंद थी, वो अपना स्टैंड प्रॉपरली लेती थी एंड आउट ऑफ एवरीवन वही एक लॉजिकल निकल कर आती थी, और वो जब एलिमिनेट हुई तो फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। रश्मि देसाई और देवोलीना लोगों की फेवरेट बहू के रूप में देखी जाती थी, लेकिन वो हाउस में खाना बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही थी, इसलिए फैंस काफी ज्यादा डिसहार्टन नहीं हुए जब वो एलिमिनेट हो गए। बिग बॉस हाउस में 6 नए लोगों ने ली एंट्री। सबसे पहले बात करते हैं शेफाली के बारे में। उन्होंने ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था कुछ साल पहले अपने वीडियो रिलीज से, जो कि था कांटा लगा। लोग उनको उस वजह से जानते हैं और अब देखेंगे वो बिग बॉस हाउस में आके क्या कमाल दिखाती हैं। और नए एंट्रेंस आए हैं जिनका नाम है तहसीन पूनावाला, अरहान खान, हिमांशी खुराना, खेसरी लाल यादव और हिंदुस्तानी भाव। जैसे लोगों का मन शहनाज ने जीत लिया खाली 1 महीने के एंटरटेनमेंट से। उनकी कॉम्पिटिटर हिमांशी खुराना हाउस में आ चुकी हैं, वो भी पंजाब से हैं, और हिमांशी खुराना और शहनाज की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और अभी तक चली आ रही है। हिमांशी खुराना के किसी वीडियो पर शहनाज ने उनका मजाक उड़ाया था और इन चक्कर में उन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कोई गाना भी रिलीज़ किया था जिसमें एक दूसरे को उन्होंने नीचा दिखाया था। शहनाज नई है इंडस्ट्री में, लेकिन हिमांशी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और उनके गाने काफ़ी ज़्यादा हिट हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। शहनाज नई नई लोगों का दिल जीत रही हैं अभी, और हिमांशी के आते ही शहनाज काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हो गई और उनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी। उन्होंने हिमांशी से जाके माफ़ी भी मांगी, बट हिमांशी काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है। वो कहती है जब तक शहनाज कैमरा के सामने मेरे घर वालों से माफ़ी नहीं मांग लेती तब तक मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँ।
द फेमस इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने हम सबको प्राउड फील कराया है एक नहीं बल्कि काफ़ी बारी, उनका बर्थडे 5th of November को आ गया है. सो वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और वो इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा को भूटान लेके जा चुके हैं. दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस बर्थडे टुगेदर एंड लेट्स वेट फॉर द पिक्चर. The King of Bollywood turned 54 on 2nd of November 2019. उन्होंने ये अपना बर्थडे अपने फैंस के साथ मनाया सेंट एंड्रयू ऑडिटोरियम में. फैमिली के साथ तो वो बर्थडे हर साल ही मनाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा इस साल अपने फैंस के साथ मनाया जाए. जैसा कि हम जानते हैं शाहरुख खान ने बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट मूवीज़ दी हैं, और वो खाली बॉलीवुड में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इंडिया का नाम रोशन करते आए हैं. पूरा इंडस्ट्री और पूरा का पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, और इन लोगों की लड़ाई काफ़ी साल तक चलती है ये, लेकिन पिछले साल ही इन दोनों की लड़ाई सॉल्व हो चुकी है. और अब ये एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूट क्यूट चीज़ों से फैंस का दिल जीत लेते हैं. शाहरुख खान के बर्थडे पे सलमान खान ने उन्हें इंस्टाग्राम पर विश किया एक काफी ज्यादा क्यूट वीडियो से. हमें किंग ऑफ बॉलीवुड को रोमांटिक मूवीज़ में देखने में तो काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन शाहरुख खान को काफ़ी ज़्यादा साइको ड्रिवन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है. वो कहते हैं ये रोल उनके दिल के करीब हो जाता है, जैसे कि डर मूवी में उन्होंने एक साइको का रोल किया था. और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ थी बाजीगर, अंजाम, फैन, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रोल प्ले किए हैं. और उसके अलावा जो उनकी काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब मूवीज़ थी वो थी कल हो ना हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन में शाहरुख खान का इंटरव्यू रिसेंटली आया था और लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था. इंटरनेशनली भी लोगों ने उसे देखा और शाहरुख खान की लाइफस्टाइल के बारे में वो और भी ज़्यादा अच्छे से जान गए हैं. शाहरुख खान की वाइफ के साथ मिस्टर डेविड लेटरमैन ने डिनर किया था, और उसमें उन्होंने बोला कि शाहरुख खान को फैमिली सेल्फी लेनी नहीं आती ही, और वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती उनको फैमिली सेल्फी को अपलोड करने के लिए. उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो परेशान है कि उनके बच्चों को शुरू से ही सब कुछ मिला है, इस वजह से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बाहर परदेश में भेज दिया है. शाहरुख खान का मन है कि वो एक और मूवी में स्टार हुए जिसके अंदर वो एक गुड मैन का रोल निभाए, क्योंकि सुहाना खान और आर्यन खान जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने अपने पापा की बाजीगर कुछ कुछ होता है जैसी मूवीज़ देखी थी जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और जिससे वो काफ़ी अच्छे से समझ गए थे कि उनके पापा की ज़िंदगी क्या है. अब इब्राहिम जब बड़ा हो रहा है तो वो चाहते हैं कि वो एक गुड सिटीज़न का रोल निभाए एक मूवी में, जिससे इब्राहिम को समझ आए कि उनका स्टारडम क्यों है और क्यों इतने सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं.
Thank you for watching Bollywood Roundup with Naina Oberoi at TAC TV, and I'll see you next week.